कर लेती हूँ भारतीय जारियत की या भारत के पागलपन की, कुछ भी कह लें। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है और ISPR के मुताबिक LOC के जंडरोड सेक्टर में भारतीय फौज ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की और जानते बूझते शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय फौजी पोस्टों को निशाना बनाया जहां से फायरिंग शुरू की गई थी। भारत बार बार ऐसी खिलाफ वर्जियां आखिर क्यों करता है? क्या पागलपन है, क्या जुनूनियत है जो सवार है उसके सर पर? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करूंगी आज जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब से। डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनरल साहब, वार्म वेलकम। और मेरे साथ सदीक जान भी सेगमेंट में मौजूद हैं। सदीक, आपको भी दोबारा से वार्म वेलकम। आप ब्रेक से पहले भी मौजूद थे। जनरल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसको पाक फौज ने कंट्रोल में किया। भारत जनरल साहब ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके आखिर साबित क्या करना चाहता है, जहां उसको हमेशा मुंह की खाना पड़ती है फिर भी चैन नहीं आता? आपने आज तक मेरा ख्याल है किसी पागल से वास्ता नहीं पड़ा। आप लोग डिसेंट और रैशनल लोगों से बात करते रहे हैं और सुनते रहे हैं इनको। भारत की जब मोदी साहब को कंपेयर किया था प्राइम मिनिस्टर ने हिटलर के साथ, तो देखिए हिटलर ने अपनी पूरी फौज मरवा दी, मुल्क का तबाह करवा दिया, लेकिन पीछे नहीं हटा। जंग उसने कहा जी मैंने जारी रखूंगा ये। और दूसरी तरफ अगर आपको याद हो, नेहरू भी जो जल रहा था वो पीछे बैठ के बांसी बजा रहा था। इन लोगों का ख्याल ये है कि 10 माह से हमारे कश्मीरी भाइयों को नजरबंद करके रखा है इन्होंने, फिर कोशिश की कि ये एक सेकंड लाइन को इस किस्म की जाली लीडरशिप खड़ी करके को पार्टियां बनाए, उनका इलेक्शन करवा दें। वो नहीं हो सका इनसे। अब इनके लिए मसला ये है कि ना तो वो लॉकडाउन उठा सकते हैं, ना ही अब उसको जारी रखने के लिए इनके पास कोई जागिया है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपनी जानों पर खेल कर ना सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के तुल अर्ज में इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अब ये खिसियानी बिल्ली है, इसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है। हालांकि बाढ़ तो उन्होंने खुद लगाई हुई है, अगर बाढ़ ही इनको नहीं रोक सकी और पाकिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, फिर तो लानत है इनकी इतनी बड़ी फौज पे जो बैठी हुई है वहां पे। तो इसके लिए भारत के बारे में अगर जब ये बात करते हैं तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप को जलाने के लिए पूरी दुनिया को जला देगा। भारत को ये बात समझ नहीं आ रही, अब ये पाकिस्तान डिफरेंट पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ये एक्सपीरियंस फौज है। इसकी लीडरशिप में आप देखिए जो लोग हैं वो गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जो दुनिया की मुश्किल तरीन जंग है उसमें मसरूफ है, और आज तक कभी उनके माथे पर बल नहीं आया उन्होंने, बल्कि खुशी खुशी हमारे जो बच्चे हैं वो कुर्बानी दे देते हैं और मुल्क के दिफा के लिए, अपने अवाम के दिफा के लिए। और अवाम कभी यही पागलपन है, कभी फौज के साथ खड़ी है। तो इसलिए भारत को भी समझ नहीं आ रही कि भारत ने अपने मुल्क के अंदर जो आग लगा ली है, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कानून पास करके मुसलमानों को जिस तरीके से उन्होंने दीवार के साथ लगाया है, दूसरी अकलियतों को जिस तरीके से दीवार के साथ लगाया है, मुल्क के अंदर उनकी आग लगी हुई है। और दूसरी तरफ देखिए असम से लेकर कश्मीर तक भारत के जो इतना माइनॉरिटीज पे जुल्म को कानूनी शक्ल दी जा रही है, इससे बड़ा जुल्म क्या हो, इससे बड़ा पागलपन क्या हो? फिर खुद को कहते हैं सेक्युलर इंडिया। देख सेक्युलर तो था ही नहीं कभी भी इंडिया, ये हम लोग ऐसे खामखा उनके ये धोखे में आ जाते रहे हैं। सेक्युलर कभी भी नहीं था ये, क्योंकि ये हिंदू एक रियासत है। इन्होंने अपने आप रियासत कह के गलत बात कर रहा हूँ, ये कभी भी एक तो लॉजिकल रियासत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कभी रहे नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि मुल्क और स्टेट चीज क्या है। तो इसलिए अब इनके जहन में ये है कि ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण ज़ायनिस्ट जो हैं, ये कभी अफगानिस्तान में इसराइल के साथ मिलकर, दूसरे लोगों के साथ मिलकर, कभी किसी और तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे, उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब इनके पास रहा कुछ नहीं। दूसरी तरफ चाइना है जिसने अपने जो उनके क्लेम्स हैं वो कर रहे हैं। और वहां पर हैरान कुन बात यह है कि भारत खुद ये मान रहा है, ये जो इतनी बड़ी रियासत है, दुनिया अपने आप को बहुत बड़ी ताकत कह रहे हैं, ये खुद मान रहा है कि हमसे जोग्राफी की गलती हो गई, हमने मैप सही नहीं पढ़े, हमें पीछे हटना चाहिए था। अपनी जो खफगी है उसको छुपाने के लिए जिस तरीके से इनको वहां पर मुंह पड़ी है, ये अभी अपने आप पीछे हटते जा रहे हैं। ठीक। दूसरी तरफ नेपाल ने इनके खिलाफ तकरीबन मैं आपको मिलता हूँ। जी जी ठीक।
ठीक है, जरा सा मैं सदीक को भी जरा शामिल है गुफ्तगू करूँ। सदीक, आपने जनरल साहब की बात भी सुनी, मोदी पर जंगी जुनून सवार है, या बुखार कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा, कभी वो पाकिस्तान की सरहद पे मुंह मारता है तो उसका बुखार उतार दिया जाता है, तो फिर कभी चाइना की तरफ देखने की कोशिश करता है, उनके इलाके में दरअंदाजी करता है, तो चीनी फौज भी बुखार के साथ साथ उसका खुमार भी उतार देती है, फिर भी भारत बाज नहीं आता, क्यों? देखिए, इस वक्त जैसे जनरल साहब ने चीज़ें बताई हैं, उसके आगे अगर आप देखें, अफगान अमल आगे बढ़ रहा है इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, वो उनको एक परेशानी है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, और उनको तो कभी भी वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन आए, और अफगानिस्तान में अमन का ज़ाहिर है पाकिस्तान को फ़ायदा है और भारत को उसका नुकसान है। फिर उनके अपने मुल्क के अंदर जो हालात हैं कोरोना की वजह से, जो मईशत के हालात हैं, फिर आप इससे पहले देखें, मैं तो समझता हूँ वैसे कोरोना के जो मोदी हैं वो बेनिफिशरी हैं कोरोना के, वरना कोरोना ना आता तो उससे पहले जो वहाँ पे एहतजाज हो रहे थे, जो वहाँ पे धरने चल रहे थे, जो कुछ भारत में हो रहा था, वो तो कोरोना की वजह से वो सारे एहतजाज मौखर हो गए और जो धरने लोगों ने दिए हुए थे, बिल्कुल वो जाहिर है, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो उससे पहले जो चीज़ हो रही थी वहाँ पे एहतजाज हो रहा था और इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई थी, वरना आप देखें इससे पहले तो कश्मीर के हवाले से भी इंटरनेशनल मीडिया खामोश रहता था, और एक ऐसे समझ लिया गया था कि बस ये एक मसला है जो बस बहुत पुराना हो गया और इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कश्मीर के हवाले से भी खबरें लगने लगी थी, वहाँ पर अकलीतों के साथ जो भारत के अंदर हो रहा था वो भी इंटरनेशनल मीडिया ने खबरें आने लग गई थी, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से मोदी चाहता है कि एलओसी के ऊपर ये छेड़छाड़ जारी रखे ताकि तवज्जो डाइवर्ट रहे, क्योंकि अब हालात जो हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। चार पांच चीज़ें हैं जो जिस वजह से अंदरूनी हालात, मुआशी हालात, फिर कोरोना, फिर कश्मीर के अंदर कर्फ्यू, फिर अकलीतों के साथ जो उन्होंने किया, और फिर इंटरनेशनल मीडिया में जो चीज़ें आने लग गई अफगान अमल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से जाहिर है वो अपनी जो जिस तरह जनरल साहब ने बताया कि वो अपनी खिफत मिटाने के लिए और तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए एलओसी के ऊपर छेड़छाड़ जारी रखते हैं। लेकिन जैसे जनरल साहब ने कहा कि अब ये मुख्तलिफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की कौम और लोग जो हैं वो अपनी फ़ौज की शाना बशाना खड़े हैं, और जब भी वो कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उनको ईंट का जवाब जो है पत्थर से मिलता है, और हमारे जवान जो हैं वो चौकस हैं और मुल्क की हिफाजत के लिए वो जाने कुर्बान कर रहे हैं। ठीक ठीक है जी, देख सेकुलर तो था ही नहीं कभी भी इंडिया, ये हम लोग ऐसे खामखा उनके ये धोखे में आ जाते रहे हैं, सेकुलर कभी भी नहीं था ये, क्योंकि ये हिंदू एक रियासत है, इन्होंने अपने आप सॉरी मैं रियासत क्या गलत बात कर रहा हूँ, ये कभी भी एक तो लॉजिकल रियासत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कभी रहे नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि मुल्क और स्टेट चीज क्या है, तो इसलिए अब इनके जहन में ये है कि ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण ज़ायनिस्ट जो है ये कभी अफगानिस्तान में इसराइल के साथ मिलकर, दूसरे लोगों के साथ मिलकर, कभी किसी और तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे, उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब इनके पास रहा कुछ नहीं, दूसरी तरफ चाइना है जिसने अपने जो जो उनके क्लेम्स हैं वो कर रहे हैं, और वहां पर हैरान कन बात यह है कि भारत खुद ये मान रहा है, ये जो इतनी बड़ी रियासत है, दुनिया अपने आप को बहुत बड़ी ताकत कह रहे हैं, ये खुद मान रहा है कि हमसे जोग्राफी की गलती हो गई, हमने मैप सही नहीं पढ़े, हमें पीछे हटना चाहिए था, अपनी जो खफगी है उसको छुपाने के लिए जिस तरीके से इनको वहां पे मुंह पड़ी है, ये अभी अपने आप पीछे हटते जा रहे हैं। ठीक, दूसरी तरफ नेपाल ने इनके खिलाफ तकरीबन ठीक है, जरा सा मैं सदीक को भी जरा शामिल है गुफ्तगू करूँ। सदीक, आपने जनरल साहब की बात भी सुनी, मोदी पर जंगी जुनून सवार है, या बुखार कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कभी वो पाकिस्तान की सरहद पे मुंह मारता है तो उसका बुखार उतार दिया जाता है, तो फिर कभी चाइना की तरफ देखने की कोशिश करता है, उनके इलाके में दरअंदाजी करता है, तो चीनी फौज भी बुखार के साथ साथ उसका खुमार भी उतार देती है, फिर भी भारत बाज नहीं आता, क्यों? देखिए, इस वक्त जैसे जनरल साहब ने चीज़ें बताई हैं, उसके आगे अगर आप देखें, अफगान अमल आगे बढ़ रहा है इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, वो उनको एक परेशानी है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, और उनको तो कभी भी वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन आए, और अफगानिस्तान में अमन का ज़ाहिर है पाकिस्तान को फ़ायदा है और भारत को उसका नुकसान है। फिर उनके अपने मुल्क के अंदर जो हालात हैं कोरोना की वजह से, जो मईशत के हालात हैं, फिर आप इससे पहले देखें, मैं तो समझता हूँ वैसे कोरोना के जो मोदी हैं वो बेनिफिशरी हैं कोरोना के, वरना कोरोना ना आता तो उससे पहले जो वहाँ पे एहतजाज हो रहे थे, जो वहाँ पे धरने चल रहे थे, जो कुछ भारत में हो रहा था, वो तो कोरोना की वजह से वो सारे एहतजाज मौखर हो गए और वो जो धरने लोगों ने दिए हुए थे, बिल्कुल वो जाहिर है, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो उससे पहले जो चीज़ हो रही थी वहाँ पे एहतजाज हो रहा था और इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई थी, वरना आप देखें इससे पहले तो कश्मीर के हवाले से भी इंटरनेशनल मीडिया खामोश रहता था, और एक ऐसे समझ लिया गया था कि बस ये एक मसला है जो बस बहुत पुराना हो गया और इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कश्मीर के हवाले से भी खबरें लगने लगी थी, वहाँ पर अकलीतों के साथ जो भारत के अंदर हो रहा था वो भी इंटरनेशनल मीडिया ने खबरें आने लग गई थी,
तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से मोदी चाहता है कि LOC के ऊपर ये छेड़छाड़ जारी रखे ताकि तवज्जो डाइवर्ट रहे, क्योंकि अब हालात जो हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। चार पांच चीज़ें हैं जो जिस वजह से अंदरूनी हालात, मुआशी हालात, फिर कोरोना, फिर कश्मीर के अंदर कर्फ्यू, फिर अकलीतों के साथ जो उन्होंने किया, और फिर इंटरनेशनल मीडिया में जो चीज़ें आने लग गई, अफगान अमल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से जाहिर है वो अपनी जो जिस तरह जनरल साहब ने बताया कि वो अपनी खिफत मिटाने के लिए और तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए LOC के ऊपर छेड़छाड़ जारी रखते हैं। लेकिन जैसे जनरल साहब ने कहा कि अब ये मुख्तलिफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की कौम और लोग जो हैं वो अपनी फ़ौज की शाना बशाना खड़े हैं, और जब भी वो कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उनको ईंट का जवाब जो है पत्थर से मिलता है, और हमारे जवान जो हैं वो चौकस हैं और उनको मुंह की हिफाजत के लिए वो जाने कुर्बान कर रहे हैं। ठीक ठीक है जी।